अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल शाज़िया पूड़ीज किचन। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं मटर चाट। अब आपको मटर चाट खाने के लिए बाहर जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बहुत ही कम टाइम में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बिल्कुल ठेले वाली मटर चाट आप घर पर ही बनाकर तैयार कर सकती हैं। इस रमज़ान आप अफ्तार में इस मटर चाट को ज़रूर बनाएं। अगर आप इस तरीके की मटर चाट बनाएंगी तो आपकी सारी अफ्तारी रखी की रखी रह जाएगी और आपकी मटर चाट पुर होने वाली है। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं मटर चाट बनाना। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए भीगे हुए मटर। तो मटर को हमने यहाँ पर 4 घंटे पानी में भिगो कर रख दिया था। आप मटर को अच्छे से वॉश कर लें और फिर इन्हें पानी में भीगने के लिए रख दें। तो मटर हमारे भीग चुके हैं, अब हम इन्हें बॉईल कर लेते हैं। तो 1 कप पानी डालेंगे, फिर मटर डाल लेते हैं हम। पानी अभी हमें थोड़ा सा कम लग रहा है तो 1 कप पानी हम इसमें और डाल देते हैं। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, बस मटर से थोड़ा ऊपर पानी रहे इतना ही पानी हमें डालना है। ये देखिए 1/2 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड कर देते हैं और मटर को हम हाई फ्लेम पर पहले 2 विसल लगाएंगे, फिर हम इसे लो फ्लेम पर तकरीबन 5 से 8 मिनट तक इसे गलाएंगे। तो 5 से 8 मिनट हो चुके हैं और अब हम अपना कुकर खोलकर चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने लिड को हटा दिया है और ये देखिए हमारे मटर आप देख सकती हैं बिल्कुल जिस तरीके के हमें चाहिए थे उसी तरीके के गलकर तैयार हो चुके हैं। अब इसमें आपको कुछ भी मिलाने की ज़रूरत नहीं है, मटर हमारे बिल्कुल परफेक्ट गल चुके हैं। अगर आपके मटर ड्राई हैं तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डालकर थोड़ी देर और पकाएं। जब तक हमारे मटर गल रहे थे तो यहाँ पर हमने बाकी की सभी चीज़ों को तैयार कर लिया है। ये होममेड हमारी पापड़ी है और ये होममेड हमने यहाँ पर आलू टिक्की भी बनाकर रखी हुई है और हमने मटर को भी ये देखिए निकाल लिया ठंडा होने के बाद में। आप देख सकते हैं ठीक हो चुके हैं और ये होममेड आलू के लच्छे हैं। साथ में हम यहाँ पर लेंगे ग्रेटेड मूली, क्योंकि हमारे यहाँ ठेले वाले अक्सर चाट में मूली ज़रूर डालते हैं। और यहाँ पर हम लेंगे बारीक कटी हुई प्याज, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अगर बच्चों के लिए चाट बना रही हैं तो हरी मिर्च आप स्किप भी कर सकती हैं। बारीक कटा हुआ टमाटर लेंगे और कुछ पाउडर मसाले हैं तो 1 टीस्पून हम यहाँ पर लेंगे चाट मसाला, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून यहाँ पर हम लेंगे कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून नमक। तो सारी चीज़ें हमारी ये देखिए एकदम रेडी हो चुकी हैं। आप देख सकती हैं एक एक चीज़ को, ये देखिए सभी चीज़ों को हमने अच्छे से तैयारी करके रखी हुई है। ये आप सारी चीज़ें तैयार करके पहले से ही रख लें तो आपको चाट बनाने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगेगा। तो हमारी सभी चीज़ें तैयार हैं, अब हम आपको फटाफट से चाट बनाना सिखाते हैं। तो यहाँ पर हम एक प्लेट लेंगे और प्लेट पर रखेंगे 2 पहले हम टिक्की। ये ऑप्शनल है, आप खाली मटर की भी बना सकती हैं। यहाँ पर हमने आलू की टिक्की रख दी हुई है और अब इसके ऊपर हम डालेंगे मटर। साथ में इसमें हम डाल देते हैं सबसे पहले ये बारीक कटा हुआ प्याज, थोड़ा पहले हम डालेंगे, बाद में हम थोड़ा डालेंगे ग्रेटेड मूली, बारीक कटे हुए टमाटर, थोड़ी सी ग्रीन चिली बारीक कटी हुई और अब पाउडर मसाले डालते हैं हम यहाँ पर, कुटी हुई लाल मिर्च, पीसी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, चाट मसाला पाउडर और ये देखिए यहाँ पर हम डाल देते हैं ज़ीरा पाउडर, ऊपर से टेस्ट अकॉर्डिंग नमक डाल देते हैं और यहाँ पर हम डालेंगे होममेड मीठी चटनी। ये हमारी होममेड मीठी चटनी है जिसकी रेसिपी हमारे चैनल पर अपलोड है। चटनियाँ आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालें। यहाँ पर हम डालते हैं ग्रीन चटनी, इसकी भी रेसिपी हमारे चैनल पर अपलोड है। ऊपर से फटा हुआ दही, चाट में दही बहुत ही टेस्टी लगता है तो दही डाल देते हैं, बारीक कटा हुआ हरा धनिया और अब हम ये पापड़ी लेंगे और इस पापड़ी को भी इस तरीके से तोड़ देंगे और इसके ऊपर से हमें इस तरीके से डाल देना है और साथ में डालेंगे हम आलू के लच्छे और ऊपर से थोड़ी सी मीठी चटनी और डाल देते हैं हम
थोड़ा सा दही डाल देते हैं, थोड़ा सा हरी चटनी डालेंगे, ऊपर से प्याज डाल देते हैं, थोड़ी सी मूली डालेंगे और थोड़ी सी हम यहाँ पर हरी धनिया डाल देंगे और एक स्पून लगा देंगे। तो ये लीजिए हमारी मटर चाट बनकर तैयार हो गई है फटाफट से। आप चाहें तो टिक्की के साथ बनाएं, पापड़ी के साथ बनाएं या खाली मटर की बनाएं, ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होती है। आपको अगर चाट खाने का मन है तो आप फटाफट से मटर चाट भी बना सकती हैं, आलू की टिक्की और पापड़ी स्किप कर सकती हैं। देखा आपने, बिल्कुल ठेले वाली जैसी हमारी मटर चाट बनकर तैयार हो गई है। आप इस रमजान अफ्तार के वक्त ये मटर चाट ज़रूर बनाएं। अगर आप इस तरीके की मटर चाट बनाएंगी तो आपकी सारी अफ्तारी रखी की रखी रह जाएगी और हमारी मटर चाट फोर होने वाली है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और इसे बनाना तो बहुत ही इजी है। अगर आपको हमारी मटर चाट की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी मटर चाट की रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको पापड़ी, आलू टिक्की और ये आलू के लच्छे की रेसिपी मुझसे चाहिए तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करके बताएं। अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन प्रेस करने से आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले नंबर पर देखने को मिलेगी, वो भी फ्री में। फिर मिलेंगे न्यू रेसिपीज़ के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।